खरगोन जिले के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में संचालित हो रही खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी से निकलने वाले वेस्टेज केमिकल युक्त पानी की सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इस कंपनी से निकलने वाला पानी नाले में छोड़ा जा रहा है, जिससे फसलों और मछलियों को नुकसान पहुंचने की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर की टीम ने यहां के सैंपल लिए हैं। इस दौरान शिकायतकर्ता भी टीम के साथ मौजूद रहे, जहां शिकायतकर्ता बाबूलाल तिरोले के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थित खेतान कंपनी से लगातार भारी मात्रा में केमिकल युक्त रसायन नाले के माध्यम से बाहर छोड़ा जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। कंपनी का पानी फिल्टर करने के बाद छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि नाले में केमिकल युक्त रसायन का पानी छोड़ने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही खेतों के कुओं का पानी भी खराब हो चुका है, अब पीने योग्य नहीं बचा। इसी लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा इसकी शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर से की गई थी। बोर्ड के वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने खेतान केमिकल कंपनी से सैंपलिंग कर पंचनामा बनाया है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस आधार पर मामले में शिकायतकर्ता भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष बाबूलाल तिरोले ने बताया कि खेतान कंपनी का केमिकल युक्त पानी कंपनी के बाहर निकलकर खेतों में जा रहा है और उसका उपयोग आसपास चरने वाले जानवर कर रहे हैं, जिससे उनको खतरनाक नुकसान हो सकता है। और यह पानी कई सालों से निकल रहा है, जिसको लेकर हम कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं और अभी हमने प्रदूषण विभाग के उच्च अधिकारियों को बताया था, जिसके बाद मौके पर आकर उन्होंने पंचनामा बनाया है। वहीं मौके पर पहुंचे प्रदूषण विभाग के वैज्ञानिक अतुल कोटिल्य ने बताया कि उन्होंने नाले का निरीक्षण भी किया है, जिसमें कंपनी का गंदा पानी बहता हुआ पाया गया है। उस पानी की हमने जांच के लिए नमूने लिए हैं, जिसे प्रयोगशाला के लिए ले जाया जा रहा है। जैसे ही इसकी विश्लेषण की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। और यह सामूहिक नाला था, जहां खेतान कंपनी के परिसर के बाहर से यह नमूने एकत्रित किए गए हैं। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर निमरानी और उसका केमिकल युक्त पानी कंपनी के बाहर से निकल के खेतों में जा रहा है और उधर के पशु और जानवर चरते हैं, उनको नुकसान खतरनाक हो सकता है। कब से निकल रहा है पानी? ये तो कई सालों से निकल रहा है, समय समय से हम ज्ञापन भी देते रहे हैं। इसको लेके आपने उच्च अधिकारियों को बताया? उच्च अधिकारी को बताया था, प्रदूषण विभाग इंदौर को, तो मौके पर आके उन्होंने पंचनामा बनाया। क्या नाम आपका? बाबूलाल तिरोले, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष कसरावत। निमरानी औद्योगिक क्षेत्र कंपनी में गंदा पानी जो निकल रहा है वेस्टेज, उसमें आप जांच के लिए आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, हमने नाले का निरीक्षण किया है, पानी बहता हुआ पाया गया है। इसके हमने मौके पर नमूने लिए हैं और जांच के लिए प्रयोगशाला के लिए ले जा रहे हैं हम लोग। जैसे ही इसकी विश्लेषण रिपोर्ट आएगी, उस विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कौन से कंपनी का ये नाला निकल रहा था? नाला तो एक सामूहिक मतलब रूपण से निकलता है, खेतान केमिकल के प्रीमाइसेस के बाहर से नमूना एकत्र किया गया है। सर, और भी कई कंपनियां जिनका निकल रहा है, तो उसके बारे में भी कोई कार्रवाई? नहीं, ऐसा अभी मौके पर हमको ऐसे निकलता हुआ नहीं देखा गया है। अच्छा, पर नाले में पानी है, बरसात के दिन है, नाले में पानी तो वही रहा है। क्या नाम लिखे सर? अतुल कोटिया, वैज्ञानिक। Subscribe now to most exciting channel ever.